हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी अपने टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये डिवाइस मिलता है, गूगल क्रोम कास्ट। गूगल की तरफ से एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप अपने टीवी को एक स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। स्मार्ट टीवी का मतलब है कि आप अपने फ़ोन में जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। लाइक मूवीज़ आपको देखनी है, कोई वीडियो देखनी है, पिक्स देखनी है, तो डायरेक्ट अपने फ़ोन को इससे कनेक्ट करें और इस ऐप के साथ एक इस डिवाइस के साथ एक ऐप भी होती है जो आपको इंस्टॉल करनी होती है। वो हम आपको बताएंगे कि कैसे कनेक्ट करना है और कैसे आपका स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नॉर्मल टीवी को। ये वो डिवाइस है, ये इजीली अवेलेबल रहता है ऑनलाइन भी और शॉप्स पे भी, 3 से 4 हज़ार के बीच में आ जाता है, डिपेंड्स अपॉन द आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा। ये वो बॉक्स रहता है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि ये क्या क्या ऐप्स आपके चल सकती हैं। इस तरीके से ये बॉक्स रहता है, इसके अंदर आपका डिवाइस आता है। डिवाइस हम आपको दिखाते हैं कि डिवाइस कैसा होता है। ये इसका बॉक्स में से ये निकलता है, ये आपको ये और ये साथ में ज्वाइन करना है। इस तरीके से यहाँ पे पिन होती है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अलग मिलता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आप इसको, अगर ज्वाइन मिला है तब तो वेल एंड गुड। और इसको ही हमें टीवी में लगाना होता है। इस पार्ट को हमें टीवी के HDMI वाले पोर्ट पर लगाना है और इसको मेन स्विच पर लगाना है। ये मैंने इसके मेन स्विच में लगा दिया है, ये वाला पार्ट, ये HDMI वाला पोर्ट है। यहाँ पे मैं इसका दूसरा पार्ट लगाऊंगी, जो दूसरा पोर्ट है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है। ये मेरा क्रोमकास्ट यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें पीछे मैंने HDMI वाले पोर्ट पे इसका अटैच कर दिया। अब गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको क्रोमकास्ट सर्च करना है। ये हमने पहले ही टाइप किया होता तो इसमें आ रहा है, तो हम इसे सर्च कर लेंगे। और इस क्रोमकास्ट में ये ऐप है, गूगल होम क्रोमकास्ट डालेंगे तो यही हमारी ऐप है, हमारे में इंस्टॉल्ड है तो इसलिए इंस्टॉल्ड लिखा रहा है। आपके में नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे। फिर आपकी स्क्रीन पे ये होम जो आ रहा है इस पर क्लिक करना है, ठीक है। आपके ये होम पे इस तरीके से आएगा। जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपसे ये ID पूछेगा, जैसे कि आप हमारी ID देख रहे हैं यहाँ पर, आपकी जो भी Gmail ID है उससे आपको इसकी सेटिंग कर देनी है। अगर आपको वो भी सीखना है कि आप अपनी कैसे कॉन्फ़िगर करें तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको उसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारा जो ऐप है उसका नाम, ये जो टीवी है उसका नाम बेडरूम टीवी है, तो इसलिए हमारा बेडरूम टीवी है। यहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे बोलेगा, जो भी हमारा स्क्रीन का रहेगा वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा टीवी पे। अभी मैं क्या करूँगी, हम इसमें जाएंगे, हमारे पास आएगा यहाँ पे एक मिरर डिवाइस करके ऑप्शन आएगा, सबसे एंड में आप आएंगे यहाँ पे आएगा मिरर डिवाइस। आप मिरर डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे, उस जो नोटिफिकेशन है उसे ओके कर देंगे। और फिर उसके बाद अगर आपको नोटिफिकेशन पे चेक करना है तो चेक करिए, अदरवाइज उसको ओके करके हटा दीजिए। फिर आएगा कास्ट स्क्रीन ऑडियो। कास्ट स्क्रीन ऑडियो का मतलब है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन कास्ट हो जाएगी। कास्ट करने से पहले आपको पहले अपना TV ऑन करना है। ये हमने अपना TV ऑन किया है, अब हम अपने TV को इस इनपुट बटन से, ये जो बटन है इनपुट, ये इनपुट बटन है यहाँ पे। अभी आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा है, फोकस नहीं आ रहा है, लेकिन ये इनपुट बटन है यहाँ पे, ये है इनपुट बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इनपुट बटन पे क्लिक करूँगी मेरे पास ये ऑप्शन आएंगे, कंपोनेंट, HDMI, तो मैं एरोस की हेल्प से जैसे मैं क्लिक करूँगी HDMI 2 पे जाऊँगी, ओके करूँगी। ओके करते ही ये मेरा क्रोमकास्ट खुल गया है, ठीक है। अब मैं अपने फ़ोन में कनेक्ट कर, अपने फ़ोन में गई, होम पे मैंने क्लिक किया और अब मैं कास्ट स्क्रीन ऑडियो करूँगी, जिससे ये मेरे को दिखा रहा है जो अवेलेबल TV है। मेरे TV का नाम बेडरूम TV है, तो ये बेडरूम TV पे मुझे शो कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगी और आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन उस पर आ चुकी है। अब मैं अपनी स्क्रीन पे जो भी कुछ करूँगी वो सब इस पर आ जाएगा। अगर मैं कुछ भी खोलती हूँ तो सब कुछ मेरा ओपन हो जाएगा इस पर। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करके चला सकते हैं।
कास्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल क्रोम कास्ट। आपकी अगर कोई यूट्यूब की ऐप है तो एक तरीका और होता है, यूट्यूब की ऐप वाले ऊपर एक साइन देते हैं हमें, ये आपको दिख रहा होगा, इससे आपका डायरेक्ट भी कनेक्ट हो जाता है बेडरूम टीवी पर। उसके लिए आपको ये सारे प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको ये मिरर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब अपना डायरेक्ट कास्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम यूज़फुल कंटेंट डालें ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो यूट्यूब पर, जैसे हमारा जनरली होता है। तो हम सबकी प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए यूज़फुल कंटेंट डालते हैं। आप हमारी वीडियो शेयर करें, कुछ सजेशन हो या कुछ और आपकी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।